प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। भारत में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ता जा रहा है। इस बार दिल्ली में इसका खतरा कंफर्म हो गया है। दरअसल दिल्ली में तंजानिया से लौटे एक शख्स में ओमिक्रॉन का स्ट्रेन मिला है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के अनुसार दिल्ली में कोरोना के नए वेरिएंट का मामला LNJP अस्पताल में सामने आया है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि अब तक कोरोना संक्रमित मिले सभी 17 मरीजों को LNJP अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनमें 6 मरीज संपर्क वाले हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अब तक 12 लोगों की जीनोम सीक्वेंसिंग हुई है, जिनमें से एक में ओमिक्रॉन कंफर्म हुआ है। हम कह सकते हैं कि ये दिल्ली में पहला ओमिक्रॉन का केस है। आपको बता दें कि भारत में ओमिक्रॉन को लेकर सतर्कता बरती जा रही है। दिल्ली में पिछले 3 दिनों में इसके 12 संदिग्ध मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं ये सभी संक्रमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से भारत आए हैं। वहीं LNJP अस्पताल के चिकित्सा निदेशक सुरेश कुमार ने बताया कि कोरोना के भर्ती कराए गए मरीजों में से 4 UK, 4 फ्रांस से हैं, कुछ लोग तंजानिया से हैं, वहीं एक व्यक्ति बेल्जियम से है। हालांकि इन सब की हालत स्थिर बनी हुई है, केवल एक शख्स को बुखार है। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली में पहला मामला आने के बाद ये देश का 5वां मामला बन चुका है। देश के पहले 2 मामले कर्नाटक से सामने आ चुके हैं, जबकि तीसरा मामला गुजरात, जबकि चौथा मामला महाराष्ट्र में मिला है। प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई।